नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल देश की ताजा तरीन खबरों पर। कोविड अस्पताल नेरचौक में प्रशिक्षु डॉक्टर पर हमला, बाल बाल बची। मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के अटेंडेंट ने ड्यूटी पर तैनात एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया। घटना बुधवार रात को हुई। बताया जा रहा है कि हमले में किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि डॉक्टर्स ने पुलिस को शिकायत की है, परंतु किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार भी कर दिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में डॉक्टरों ने ड्रिप स्टैंड से हमले की बात कही है। कोविड वार्ड में एक कोरोना संक्रमित की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। रात को उसके साथ मौजूद अटेंडेंट ने डॉक्टर को बुलाया होगा और शायद डॉक्टर के समय पर ना आने को लेकर उसे गुस्सा आ गया और वह हमले पर उतार हो गया। हालांकि यह सारी बातें अभी अस्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। रात को जब यह मामला हुआ तो उसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने पुलिस को शिकायत दी और बल्ल थाना की पुलिस टीम ने मौके पर आकर मामले की छानबीन भी की, लेकिन डॉक्टरों ने किसी प्रकार की आगामी कार्रवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके पीछे डॉक्टरों ने मानवीय तर्क देते हुए पुलिस से कहा कि जिस अटेंडेंट ने यह हरकत की है उसके परिजन की स्थिति काफी नाजुक है। यदि इस स्थिति में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उससे उन्हें आघात पहुंच सकता है। कुल्लू में 142,000 लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, डॉक्टर अतुल गुप्ता। कुल्लू जिला में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के टीकाकरण के चौथे दिन लोगों में उत्साह दिखा। जिले के 14 वैक्सीनेशन केंद्रों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट बुकिंग कर टाइमिंग के हिसाब से लोगों ने टीका लगवाया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन केंद्रों में लोगों ने वैक्सीनेशन का भी लाभ उठाया। कुल्लू जिला में अब तक 141,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 28,000 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज का फायदा उठाया है। जिला में 45 वर्ष की अधिक उम्र के 99,000 लोगों ने पहली डोज लगा कर अपने आप को सुरक्षित किया है। लाभार्थी आयुष देओल ने बताया कि सरकार की तरह से कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन स्लॉट कर मैंने फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन लग रही है, जिससे इस महामारी के दौर में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को वैक्सीन के लिए स्लॉट बुकिंग को बढ़ाना चाहिए, जिससे 18 से 44 साल की उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। हिमाचल में बेपटरी हुआ टूरिज्म सेक्टर, बिकने की कगार पर 50% होटल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने टूरिज्म सेक्टर का दिवाला निकाल दिया है। शिमला, मनाली और कांगड़ा में टूरिज्म की कमर टूट गई है। कोविड काल के चलते कांगड़ा का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से बैसाखियों पर आ चुका है। पर्यटन व्यवसायियों की माने तो सरकार से कोई राहत न मिलने के कारण धर्मशाला में कई होटल व्यवसायी अपनी संपत्तियों को बेचकर खुद का खर्चा निकालने की दिशा में कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी बांबा ने कहा कि धर्मशाला के 1,000 से अधिक होटलों में से लगभग 50% को बेचने की तैयारियां कर ली हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि संपत्ति की कीमतें भी 5 साल पहले की तुलना में 25-30% कम है। उन्होंने कहा होटल व्यवसायियों को अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास बैंक ऋण चुकाने के लिए पैसे तक नहीं है। अश्वनी बांबा ने सरकार से समर्थन की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में होटल उद्योग की ओर से लगभग 18% योगदान देने के बावजूद भी सरकार ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। इसके बजाय होटल बंद हैं, लेकिन सरकार टैक्स वसूल रही है। यहां तक कि प्रदूषण एवं पर्यटन विभागों के सालाना लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क को भी माफ नहीं किया गया है। टीचर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा, कोरोना कर्फ्यू में नौकरी न मिलने से परेशान हूं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में कई लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं। मानसिक तनाव, नौकरी जाने और नौकरी ना मिलने से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का नया मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा के नूरपुर से जाच पंचायत में मंगलवार रात बेरोजगारी से परेशान एक व्यक्ति ने अपने घर में लोहे के जंगले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कुलभूषण पुत्र खेमराज निवासी जाच के रूप में हुई है। कुलभूषण ने आत्महत्या के पहले सुसाइड नोट में लिखा कि वह आत्महत्या कर रहा है, उसके मरने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान ना किया जाए।